वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हो वर्ल्ड मूवी रिव्यू। मैं आज एक मूवी के बारे में बात करना चाहता हूं फ्रेंड। इस मूवी का नाम है फ्रेंड कंटारा। फ्रेंड मैं इस मूवी को करीबन एक हफ्ते पहले मैं इस मूवी को देखा था और मुझे बहुत ही मज़ा आया ये मूवी। और फ्रेंड मैं इस मूवी के बारे में आपको क्या बताऊँ, यह मूवी आपको 16 करोड़ में बना है फ्रेंड। और 16 करोड़ में फ्रेंड यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है फ्रेंड। मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा कोई भी ऐसा बॉलीवुड मूवी ना साउथ मूवी, ऐसा कोई भी मूवी नहीं है फ्रेंड जो इसके मुकाबले में हो। मैं इस मूवी को देखा और इसमें जो ऋषभ शेट्टी का जिसमें का जो एक्टिंग है वो आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा एक्टिंग करने वाला ना मैं साउथ में नहीं देखा हूँ। मैं पहली बार बोल रहा हूँ फ्रेंड, मैं इस मूवी का मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। और फ्रेंड आपको सभी लोग पता है फ्रेंड, यह मूवी एक कन्नड़ मूवी है और इस मूवी को हिंदी में फ्रेंड मैं देख चुका हूँ। और मैं इस मूवी के बारे में आपको पूरी बात बताऊँगा फ्रेंड। एक राजा ने एक पत्थर के भगवान के लिए गांव वालों को पूरा जंगल दे दिया और उस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे शेर भालू जो भी जितना भी उस जंगल में था वो सबको दान कर देता है। और उन लोगों को मानना रहता है कि फ्रेंड कि हमारे जो गांव में कुछ भी अनिष्ट मत हो, मतलब उसके लिए एक पूजा रहता है जिसको हर साल में उसको करना पड़ता है। और जिसके वजह जो ऋषभ शेट्टी उसके पिताजी उस पूजा को करते हैं और उस पूजा को करते समय कुछ गांव वाले के कोई दूसरे गांव के आते हैं और जो अनाप शनाप कुछ बोल देते हैं, उसके वजह से जो भगवान है वो नाराज होकर कहीं जंगल में कहीं छुप जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड इस मूवी में पूरी जंगल का पूरा स्टोरी बताया गया है फ्रेंड। और फ्रेंड इस मूवी में जो स्टोरी है वो फॉरेस्ट विभाग से ही बना है, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो लोग बोलते हैं कि ये जंगल फॉरेस्ट विभाग से है, आप इस जंगल में कुछ भी सामान ले नहीं जा सकते, चाहे लकड़ी हो चाहे जानवर हो क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो आप इस जंगल से नहीं ले जा सकते, क्योंकि सरकार का नियम है और ये सरकार का अधिकार है कि ये जंगल अब सरकार का हो चुका है। और उसके विरोध में ये गांव वाले लोग उसका विरोध करते हैं कि हमारा ये जंगल है, हमारे राजा तो इस जंगल को हमको दिया है। और उसी के सिलसिले में ये पूरी और वहाँ के एक सरपंच है जो चाहता है कि ये जंगल में जितना भी है वो सब मेरा है बोलकर, और जो हीरो है ऋषभ शेट्टी उनको पता ही नहीं चलता है कि ये यहाँ का सरपंच क्या कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड उनको पता चलता है कि ये तो मेरे ही भाई को मार दिया रहता है, क्योंकि ऋषभ शेट्टी को जेल भेज दिया रहता है क्योंकि गांव में जो पुलिस था उसको मारने के वजह से उसको जेल भेज दिया रहता है। और उसको पता चलता है जब वो जेल से छूटता है तो पता चलता है उसका भाई मर चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड जो लास्ट का जो इन का जो सीन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऋषभ का एक्टिंग काफ़ी ले तारीफ है। मैं पहली बार देख रहा हूँ फिल्म की ऐसा एक्टर कि अपने एक्टर पूरे दिलो जान से इस मूवी को बनाया है फ्रेंड, और बहुत ही काफ़ी ले तारीफ है यह मूवी। जिस तरीके से सभी विलन को लोगों को मारता है ऋषभ शेट्टी मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड। और जो क्लाइमेक्स का जो सीन है फ्रेंड, आप इस मूवी का अगर आप देखे नहीं हो ना तो एक बार जरूर देखना, इसका जो लास्ट का जो क्लाइमेक्स का सीन है वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और इस मूवी में जितना वीएफएक्स देख रहे हो फ्रेंड उससे कहीं ज़्यादा इस मूवी में रियल है फ्रेंड। पहले जब शुरू होता है फिल्म तो उसमें देखना बैल का एक रेस होता है जिसमें आपको पता चलेगा फ्रेंड, और उसमें जो फाइटिंग होता है वो वाकई में फ्रेंड एक रियल लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया है उस जो सीन को, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर इस मूवी को फ्रेंड अभी तक आप लोग नहीं देखो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस मूवी का लिंक मैं दे दियो फ्रेंड, आप देख सकते हैं वहां पर हिंदी भाषा में। हाँ फ्रेंड, इस मूवी के बारे में बताना क्या यह मूवी आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, हमें कमेंट करके यह सुनो जरूर बताना इस मूवी के बारे में। और फ्रेंड जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना फ्रेंड, और बेल आइकन को दबा देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, साउथ मूवी, सभी मूवी का लिंक मैं दे देता हूँ फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हो जाकर वहाँ पर हिंदी भाषा में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।